हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित यादव वेटनरियन। आज हम चर्चा करेंगे कि जो हमारे देश है उसमें एक बहुत ही महामारी फैल रही है गोवंश में, गायों में, तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जिसका नाम है लंपी स्किन डिजीज, जिसे हम शॉर्ट में LSD भी बोलते हैं। इस यह एक वायरल डिजीज है। इसमें क्या होता है कि जो वायरस है वो एक पशु से दूसरे पशु तक आसानी से फैल जाता है और दूसरे पशु को भी इन्फेक्टेड कर देता है। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि जो इसमें क्या होता है कि गोवंश के पूरे शरीर पर गांठे उभर आती है, और जब ये गांठे जो इन संक्रमित होने के 12 से 13 दिन बाद क्या होते हैं, इनकी इन गांठों में से पस, पानी, खून, मवाद आनी बहना शुरू हो जाता है। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि हम कौन से ट्रीटमेंट का उपयोग करें, कौन सी स्प्रे, कौन से ऑइंटमेंट, कौन सी क्रीम, कौन से लोशन अपने पशु के इन घावों पर लगाएं, ताकि जो मवाद है, जो ब्लड आता है, जो पानी गिरता है, जो घाव है, वो आसानी से भर जाए, उनकी रिकवरी हो जाए। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, वीडियो को स्किप करके ना देखिए, ताकि आपको पूरी नॉलेज, आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो इस LSD नामक बीमारी में क्या होता है कि पशु के सारे शरीर पर गांठे उभर आती है, और जो पैर हैं उसमें सोजिश आ जाता है, और सोजिश आने के कारण पशु सारा दिन खड़ा रहता है। ये फील्ड में बहुत ही ज़्यादा समस्या का देखना सामना करना पड़ रहा है कि जो पशु LSD से ग्रसित हैं वो पशु बैठ नहीं पाते। तो मैं सभी पशुपालकों भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि अपने पशु को ज़बरदस्ती या कैसे भी करके पशु को बैठाएं, ताकि उसके जो सोजिश है वो कम हो सके, पशुओं के जो पैर है उसमें थोड़ा हल्का महसूस हो सके, और ताकि उनमें थोड़ा घाव ना, ज़्यादा घाव नहीं फैले। तो यह बहुत ही ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है कि पशु बैठ नहीं पाते। तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि आप अपने पशु को बैठाएं, ताकि उनका जो सोजिश है, जो पैरों में जो दर्द है, वो थोड़ा कम हो सके, और गोवंश को थोड़ा रिलैक्स मिल सके, थोड़ा आराम मिल सके। ट्रीटमेंट की बात करें कि कौन से ऑइंटमेंट, कौन सी क्रीम, कौन सी स्प्रे का उपयोग हमें करना चाहिए, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो घाव है जिसमें मवाद आ रही है, पस आ रहा है, पानी आ रहा है, सबसे पहले उस घाव को जो पोविडीन, जो आयोडीन आता है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसे हम लिक्विड बीटाडीन भी बोलते हैं, सबसे पहले आप उस घाव को लिक्विड बीटाडीन से साफ करें। अच्छी तरीके से साफ करने के बाद इसके साथ साथ आप लाल दवाई एक पानी में घोलकर उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, ताकि संक्रमण बिल्कुल ही नहीं ज़्यादा फैले, वहाँ की वहाँ रुका रहे, तो इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है आपको, कोई भी अच्छी कंपनी की, अच्छी ब्रांड की, जिसके अच्छे, बहुत ही अच्छे रिजल्ट हो, वो ऑइंटमेंट लेनी है। जैसे मैं आपको बताऊँगा, आपको हिमैक्स ऑइंटमेंट लेनी है, हिमैक्स ट्यूब लेनी है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। इस ट्यूब का क्या करना है, जिस स्थान से पस, पानी, खून, मवाद आदि बह रहा है, उस घाव में इसका सुबह और शाम दो टाइम लेप करना है। इससे क्या होगा, पशु के जो घाव है उस, वो बहुत ही जल्दी रिकवरी हो जाएंगे, उनसे स्मेल वगैरह आनी बंद हो जाएगी, मक्खी मच्छर बिल्कुल नहीं बैठेंगे। तो आप इस क्रीम का उपयोग करें, आपको आपके पशु में बहुत ही जल्दी रिकवरी हो जाएगी, बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर अगली ऑइंटमेंट, अगली क्रीम की बात करूं, तो आपको लेनी है जंबो हील। ये जो क्रीम है ये मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाती है, हर मेडिकल स्टोर पर आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। तो जंबो हील जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है, आपको इसका भी घाव पर दोनों टाइम सुबह और शाम लेप करना है, इसके भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। अगली जो ऑइंटमेंट की बात करूँ, तो लोरेक्सन के नाम से एक लोशन भी आता है, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं, इसके भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर मैं और दूसरी स्प्रे की बात करूँ, तो आपको टोपिक्योर स्प्रे ले सकते हैं, इसका भी आप छिड़काव करें अपने घाव पर। इससे क्या होगा कि जो पशु के जो घाव है उस पर मक्खी मच्छर बिल्कुल नहीं बैठेंगे, और घाव में कीड़े वगैरह, जो कीड़े हैं वो बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे, इससे आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। मैं जो भी प्रोडक्ट बताता हूँ, इसका फील्ड में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। जो साथी चैनल पर नए जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि भविष्य में आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। और मैं यही प्रयास करता हूँ कि मेरी अच्छी से अच्छी नॉलेज आप किसान भाइयों को तक पहुँचा सकूँ, ताकि गोवंश जो आजकल बहुत ही LSD से ग्रसित है, संक्रमित है, उसमें वो उनका बचाव हो सके। तो सभी साथियों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।